हेलो गाइस, मैं हम लोग आज एक काम करने जा रहा है। जैसे है वोल्टेज, कोई पावर प्लांट है, कोई भी केसर प्लांट है, उसका करंट 440 रहता है। अगर उसमें अगर पैनल में आपका वोल्टेज कम मिल रहा है, कोई समस्या आ रहा है, इशू आ रहा है, एक फेज मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, वो चीज़ सारे चेक करने के लिए जो कन्फ्यूज होता है, उसके लिए जो हम लोग को काम करना पड़ता है, वो चीज़ हम लोग करने जा रहा हूँ। देखिए आज प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूँ धीरे धीरे। पहले तो आपको वोल्टेज जो काम होता है उसका सॉल्यूशन करने के लिए पहले आके आपको अर्थिंग में पूरा चेक करना है, चारों तरफ 2 फुट करके गड्ढाई करना है। उसके बाद जो काला मेटल आपको देख रहा है, ये चीज़ आपको ये कहीं दुकान में नहीं, जैसा वो लकड़ी का जो जलने के बाद जो मिट्टी आता है, वो चीज़ आप यह ऐड किया है, सल्फर ये दिया है सफ़ेद वाला, सारे देखिए सारे जो पोल का नीचे आता है सारे चीज़ में हम लोग ऐड किया है, सारे खड्डा में, ठीक है। ये सब सारे ऐड किया है अपना। उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, उसमें वो प्रोसेस भी आप हम लोग को बता दे रहा, आप लोग को बता देंगे ये चीज़ सारे। ये मेटल भी दिखा दो पूरा एक बार, लाइट भी दिखा दो, सप्लाई भी दिखा दो पूरा। लास्ट में उसमें पानी ऐड करके फिर हम लोग ओके ना, ये सारे काम आप लोग को करना पड़ेगा। उसको बाद मैक्सिमम आधा घंटा एक अर्थिंग में पानी डालना है, पानी पूरा उसको भरपूर देना है ओके। फिर आपको सप्लाई देने के बाद क्वांटिटी चेक करना है, कंफ्यूज आपका सॉल्व हो जाएगा ओके। थैंक यू, धन्यवाद। अगर ये वीडियो में काम आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।